हाय स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन बी टी अकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने फर्स्ट लेक्चर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे पहला लेक्चर दिया था, और उसके बाद काफ़ी देर हो गया है और मैं अब आपको सेकंड लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट मैंने पढ़ा था क्या, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और माइक्रोब्स के ऊपर मैंने बात किया था। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का क्या एक्शन है, क्या काम है, क्यों उसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, उसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे बात किया था। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सबसे पहला लेक्चर मींस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सबसे पहला लेक्चर देखिए, उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर आप सेकेंड नंबर लेक्चर देखिएगा। चलिए सेकेंड नंबर लेक्चर शुरू करते हैं। सेकेंड लेक्चर है हमारा कहाँ से, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। सबसे पहले तो वर्ड आया मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक मीन्स क्या होता है, तो याद रखिएगा आप क्या, मेटाबॉलिक ये वर्ड आया है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में दो चीज मिलेगा आपको, क्या, एनाबॉलिज्म पहला। अब एनाबॉलिज्म किसे बोलेंगे, तो एना मीन्स होता है क्या, अप, और ये ग्रीक वर्ड है, और ये होता है क्या, बैलिन। बैलिन का मतलब होता है क्या, थ्रो, थ्रो या फॉर्मेशन। ठीक, तो किसी भी चीज का मतलब ये समझिए आप कि एक मॉलिक्यूल्स ये है और फिर एक मॉलिक्यूल्स ये है, इससे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म। याद रखिएगा आप, क्या हो रहा है इसके अंदर, बिल्डिंग अप हो रहा है, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स में बन रहा है, इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। सेकेंड आता है हमारा क्या, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है क्या, CATA कैटा वर्ड आया है, इसका मतलब होता है क्या, डाउन। और ये मैंने आपको बता चुका हूं, बॉलिज मतलब बैलिन, मतलब थ्रो या फॉर्मेशन। तो डाउन द फॉर्मेशन, ये समझ लीजिए आप कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा, उससे ये क्या होगा, एक छोटे से मॉलिक्यूल, मतलब दो छोटे से मॉलिक्यूल्स में ये टूटेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। इसे याद रखिएगा, और यही कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेटाबॉलिज्म होगा, जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस चलता है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये क्या है, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। नेक्स्ट आया हमारा क्या, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन से पहले जो प्रोडक्ट मैंने रखा है उसे क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। और केमिकल्स के बाद मीन्स केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो सब्सटेंस पहले लिए हैं उसे हम लोग बोलेंगे सब्सट्रेट। तो ये क्या हो रहा है फर्मेंटेशन में, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर केमिकल चेंजेस होगा, किस पे, सब्सट्रेट पे, और वो क्या कर देगा, एक्शन ऑफ एंजाइम, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम, एक्शन ऑफ एंजाइम्स की वजह से इस पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा और वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। यही चीज पढ़ेंगे हम लोग किसमें, फर्मेंटेशन में। उसका एप्लीकेशन क्या है, पहला चीज ये कब यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। डोसा एंड इडली डफ इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव पफ्ड अप अपीयरेंस। ये हुआ, ये डोसा और इडली जो हम लोग खाते हैं, उस डोसे और इडली का जो आटा होता है उसे पहले फर्मेंट किया जाता है, मीन्स इसे आटा गूंद कर उसे रख दिया जाता है, उसके अंदर कुछ फंगी मिलाकर उसको कुछ देर के लिए रख दिया जाता है, और उसकी वजह से अब वो क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसके अंदर पफ्ड अप मीन्स फुला हुआ अपीयरेंस दिखता है। तो कभी भी आप डोसा और इडली खाइएगा तो आपको उसका आटा ज्यादा फुला हुआ दिखेगा, मीन्स जो डोसा और इडली होता है वो आसानी से फूल पाता है, कारण क्या है, मीन्स ड्यू टू द रीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इसका मेन ये है आपको, ये इसका रिएक्शन क्या है, तो पाइरुविक एसिड जब उसके ऊपर ईस्ट काम करेगा तो इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C3H4O3। ये पाइरुविक एसिड जो होता है वो क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट मीन सबसे स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट है क्या, पाइरुविक एसिड। मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या चीज में बदलेगा, पाइरुविक एसिड में।
और जब पाइरुविक एसिड में पे एक्शन होगा तो ये क्या बनेगा, एटीपी, और वही एटीपी हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी होता है, मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, क्या पाइरुविक एसिड, सबसे पहला चीज पाइरुविक एसिड है क्या, तो पाइरुविक एसिड आपका कार्बोहाइड्रेट है, और वो किसके बाद आता है, तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद आता है पाइरुविक एसिड। इसका रिएक्शन क्या होता है उसे हम लोग और भी फर्दर और भी क्लासेस में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पाइरुविक एसिड होता क्या है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या सेकंड नंबर में है कि डफ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स इज फर्मेंटेड बाय बेक्स ईस्ट। वैसा आटा जो हमें ब्रेड बनाने में यूज करते हैं, उस आटे में पहले सबसे पहले हमें क्या मिलाना होता है, बेक्स ईस्ट मिलाना पड़ता है उसके अंदर। बेक्स ईस्ट जो होता है वो क्या होता है, सैकेरोमाइसेज सेरेबेसिया, ये सब एनसीईआरटी का कंटेंट है, आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जो कंटेंट होता है नीट के एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज वो पूछ देगा। तो इसे आप याद रखिएगा प्लीज कि डफ जो हम लोग ब्रेड्स बनाने में यूज करते हैं उसमें कौन सा फंगी यूज होता है, सैकेरोमाइसेज सेरेबेसिया। नेक्स्ट आते हैं क्या, सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है टॉडी। टॉडी मीन्स होता है ताड़ी। तो ताड़ी जो होता है वो ट्रेडिशनल ड्रिंक है फॉर साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के लिए ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है, और मेड बाय फर्मेंटिंग सैप। सैप मीन्स होता है रस, ये रस का को फर्मेंट करके बनाया जाता है फ्रॉम पाल्म ट्री, मीन्स ताड़ के पेड़ से निकालकर उसे फर्मेंट किया जाता है, कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, उसके ऊपर क्या होगा, फंगी का ग्रो होगा, फंगी ग्रो होगा तो उसके ऊपर एंजाइम्स निकालेगा, सिक्रेट करेगा, और वो एंजाइम उस पाल्म सैप को रस को क्या चीज में बदल देगा, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक में, मीन्स ताड़ी में बदल देगा। तो आप इसे याद रखिएगा। चीज मेकिंग में क्या प्रोसेस है, तो देखिएगा आप, द बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमैनी, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमैनी कब यूज करते हैं, चीज मेकिंग में, इज यूज इन स्विस चीज। स्विस चीज जो है वो कुछ भी नहीं है, एक बड़ा सा होल होता है उस चीज में, मैं यहाँ पे पिक्चर आपको दिखा दे रहा हूँ, उसमें आप बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। स्विस चीज जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से ये ओरिजिनेट हुआ है, सबसे पहले वही इसको देखा गया था, इस वजह से इसका नाम स्विस चीज रखा गया। टू गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक होल्स बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सब ज्यादा अमाउंट में बन जाता है, क्यों क्यों बनता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी, इसके वजह से ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, गैस का मॉलिक्यूल्स होता है, वो ऊपर की तरफ एस्केप करता है, बाहर जब निकलता है तो वो अपने हिसाब से वो अपना स्पेस वैकेंट कर देता है, खाली करता है, जिसकी वजह से उस स्विस चीज के अंदर होल हो जाता है बड़ा सा, इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्विस चीज। फिर क्या है, रॉक फोर्ट चीज इज राइपेंड बाय ग्रोइंग सर्टेन फंगी ऑन देम। रॉक फोर्ट एक चीज है, मैं अभी यहाँ पे पिक्चर आपको दिखा दे रहा हूं। रॉक फोर्ट चीज इज राइपेंड बाय ग्रोइंग सर्टेन फंगी ऑन देम टू गिव देम देयर स्पेसिफिक फ्लेवर। और ये जो होता है रॉकफोर्ट चीज, उसके अंदर क्या होता है, उस राइपेंड करने का मीन्स उसे पकने का, पक जाता है वो, राइप हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग एक स्पेसिफिक फंगी को ग्रो करते हैं। नेम ऑफ द फंगी, फंगी का नाम क्या है, इस रॉकफोर्ट चीज में कौन से फंगी को यूज करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा क्या, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी जो है वो फंगी का नाम है, और पेनिसिलिन भी एक्चुअली में फंगी से ही लिया जाता है, पेनिसिलियम। तो इसे आप याद रखिएगा, और भी हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ये याद रखिएगा पेनिसिलियम रॉकफोर्टी क्या होता है और ये किस चीज में यूज होता है, रॉकफोर्ट चीज बनाने में मदद करते हैं हम लोग। सबसे पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको पाइरुविक एसिड जब ब्रेक डाउन होगा ईस्ट के या बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, तो वो हमेशा इथानॉल निकालेगा। इथानॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये इथानॉल का फॉर्मेशन करेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये आपको याद रखना है। जब भी मीन्स हम लोग का जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो किस फॉर्म में होता है,
पाइरूविक एसिड पे जब हम लोग ऑक्सीजन को का रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, एटीपी, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। ये ज्यादा आपको याद रखने का चीज है कि जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी चीज पे फीड करेगा तो वो अपने उस चीज को यूज करने के लिए वो क्या निकालेगा, इथेनॉल निकालेगा, और वही उसका एक एनर्जी का सोर्स होता है। ये समझ लीजिए आप, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी एटीपी निकलेगा, बट ये आपको याद रखना है कि इथेनॉल भी वहां पे निकलेगा। ये चीज याद रखना है आपको। सेकंड क्या है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा के लिए बता दिया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये सब जो है स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंगी का नाम साइक्रोमाइसिस सेरेविसिया किस लिए होता है यूज, उसके बाद बहुत सारा आपको मैंने यहाँ पे भी बताया, फंगी का नेम पेनिसिलियम रॉक फोर्टी और प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माइनी। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फर्मेंटेशन के लिए आपको एक चीज और बता देते हैं, इंजाइम्स। इंजाइम जो वर्ड है एक्चुअली में कहाँ से आया है, तो जाइम, जाइमेज, जाइम जो है ना, ये हम लोग बोलते हैं क्या, फंगी को। तो फंगी से इस वर्ड को लिया गया है, इंजाइम। तो फंगी, फंगी जब वर्ड आ रहा है तो फंगी मतलब क्या, फर्मेंटेशन, ये फर्मेंट करता है। फंगी जो होता है वो फर्मेंटेशन में काम करता है। तो इस ब्रांच को, मीन्स फर्मेंटेशन के ब्रांच के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, जाइमोलॉजी, जाइमोलॉजी बोलते हैं। जाइम जब भी वर्ड आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो इंजाइम्स बनाया गया, ये इंजाइम्स है एक्चुअली में, और ये कहाँ से आया है, तो फंगी से आया है, ये याद रखिएगा आप। और दूसरी बात ये स्टूडेंट कि फंगी जो होता है, फंगी का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो होता है वो ईस्ट होता है, और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हुआ मशरूम या फिर मॉल्ड। ये सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, और ये है माइक्रोस्कोपिक, मीन्स ये सबसे छोटा है, यूनिसेलुलर होता है ये, और ये दोनों है, ये क्या है, मल्टी सेलुलर फॉर्म में पाया जाता है फंगी। तो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन क्या है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल वर्क्स। इंडस्ट्री में इस माइक्रोब्स का क्या यूज होता है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस माइक्रोब्स आर ग्रोन इन लार्ज वेसल। इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के लिए हमें लार्ज वेसल चाहिए, उस लार्ज वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। मैं आपको पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, ये वाला पिक्चर है आपका, यहाँ से देख लीजिए फर्मेंटर्स क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब क्या होता है, पीने वाला चीज। मतलब ये हुआ कि इन इंडस्ट्रियल स्केल बेवरेजेस मींस होता है पीने वाला, मींस क्या हुआ, लिक्विड। किसी लिक्विड को इंडस्ट्री में किस तरीके से बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स मतलब बेवरेजेस बनाएंगे, एंटीबायोटिक्स बनाएंगे, इंजाइम्स बनाएंगे, एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का यूज करके हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस में क्या क्या चीज का मैन्युफैक्चर करते हैं, तो बेवरेजेस मतलब पीने वाला चीज बनाते हैं, शराब वगैरह, एंटीबायोटिक्स, इंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर प्रिपेयर्ड। ये सब हम लोग माइक्रोब्स का यूज करके प्रिपेयर करते हैं, कहाँ, इंडस्ट्री। फर्मेंटेड बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब आपको लिख दिया क्या, पीने वाला चीज। तो फर्मेंट किया हुआ चीज क्या मिलेगा आपको, मीन्स लिक्विड में फर्मेंट किया हुआ कौन सा चीज मिलेगा। तो यहाँ पे समझिएगा क्या, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया मैंने अभी आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था कि ये ब्रेड्स ईस्ट होता है। ब्रेड्स ईस्ट कौन होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। इसे दूसरे नाम से और भी जाना जाता है क्या, ब्रेवर्स ईस्ट। ब्रेवर्स मतलब होता है क्या, शराब। तो शराब का जो प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को बनाने में किसका यूज करते हैं हम लोग, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, ये फंगी है उसका यूज करते हैं। ये मीन्स फंगी का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि फंगी का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होता है, मीन्स माइक्रोस्कोपिक मीन्स होता है छोटा, यूनिसेलुलर फॉर्म होता है ईस्ट। तो ईस्ट है ये, क्या ये,
सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया क्या है? ईस्ट है, और इसी ईस्ट का हम लोग यूज करके क्या बनाएंगे? शराब का प्रोडक्ट या शराब बनाएंगे। इज यूज टू प्रिपेयर वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम एक्सेट्रा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल आर प्रोसेसिंग। किस तरह का हम लोग रॉ मटेरियल यूज किए हैं उस हिसाब से हमें ये सब सारे प्रोडक्ट में से वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्या है? इफ फर्मेंटेड ब्रॉथ, ब्रॉथ मीन्स होता है सोल्यूशन, सोल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? इफ फर्मेंटेड ब्रॉथ सोल्यूशन, ब्रॉथ मीन्स होता है सोल्यूशन, इज डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड का मतलब होता है क्या? प्योर लिक्विड या प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म मतलब क्या हुआ कि फर्मेंटेड किया हुआ चीज जो सोल्यूशन मिला है हमें फर्मेंट करने के बाद उसे क्या कर देते हैं? डिस्टिल्ड कर देते हैं। देन ब्रांडी एंड रम, रम और ब्रांडी जो होगा आपको डिस्टिल्ड वाला प्रोडक्ट है, मीन्स उसे प्योर फॉर्म में कर देते हैं, उसमें से सारा कचरे को निकाल देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्रांडी और रम होगा, याद रखिएगा इसे। एंड प्रोड्यूसिंग वाइन, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन और बियर जो होगा ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस नहीं है, मीन्स वाइन और बियर जो बनाएंगे तो उसमें विदाउट डिस्टिलेशन का, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्योर फॉर्म में लाना, तो प्योर फॉर्म में नहीं लाते इसे हम लोग। ये हो गया प्योर फॉर्म और ये हुआ अनप्योर फॉर्म, मीन्स इसे डिस्टिल्ड नहीं करते हैं, इसे एक प्योर लिक्विड में उसे कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो आप इसे कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखना है कि आपको वाइन एंड बियर ये क्या है? नॉन डिस्टिल्ड, मीन्स ये अनडिस्टिल्ड वाला प्रोडक्ट है, ये आपको याद रखना है। और ब्रांडी और रम जो होगा वो क्या होगा? डिस्टिल्ड वाला प्रोडक्ट होगा। तो आप याद रखना कि जो भी नॉर्मल इंसान होते हैं वो वाइन और बियर ही इंटेक कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो डिस्टिल्ड वाला प्रोडक्ट है नहीं, इस वजह से ये कॉस्टली भी नहीं है, कॉस्टली नहीं है तो बहुत आसानी वे में हमें बहुत कम बजट में भी आसानी से मिल जाता है। बट ब्रांडी और रम जो होता है वो ज़्यादा हाई प्रोफाइल के इंसान यूज करते हैं, इस वजह से आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये डिस्टिल्ड वाला प्रोडक्ट होगा तभी तो ये ज़्यादा महंगा है। तो ब्रांडी और रम जो होता है वो महंगा इस वजह से होता है क्योंकि वो डिस्टिल्ड वाला प्रोडक्ट है, इससे कन्फ्यूज ना होना है, क्योंकि इसमें आपको नीट में एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि वाइन इज डिस्टिल्ड प्रोडक्ट और अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट, तो आप क्या जवाब दीजिएगा वो आपके लिए याद किया हुआ चीज रहेगा, तो आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वो लेक्चर हमारा होगा एंटीबायोटिक्स के ऊपर। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो से एंजॉय करें, और भी मेरा बहुत सारा सीरीज चलता है, मीन्स 11th में और और भी मेरा बहुत सारा सीरीज चल रहा है स्टूडेंट, और भी हमारा बहुत सारा सीरीज चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाया हूँ, मीन्स डिजीज एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर, तो उस पर भी आप विजिट करके आसानी से अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।